हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखना है, क्योंकि अगर आप कॉपी लिखना जान गए बोर्ड एग्जाम में तो इतना गारंटी है कि अब की बार जो है कि आप 90% से भी ज़्यादा अंक ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि कॉपी लिखने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से जो है कि उनका नंबर कट जाता है। फ्रेंड्स, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कॉपी लिखते वक्त, वह स्ट्रेटजी फॉलो करके आप कॉपी लिखते हैं, तो आप कॉपी में एक अच्छा नंबर पा सकते हैं, आप सभी क्वेश्चन का एक अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्वेश्चन है और यह पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि यहाँ पर हमने देखिए लिखा है कि परावर्तन किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका आपको आंसर लिखना है, तो इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपकी कॉपी ऐसे दी गई रहती है और इस पर जो है कि आप यहाँ साइड में एक लाइन खींच लेते हैं जो कि स्केल से, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस बीच वाले लाइन में यहाँ पर जो है कि बीच में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। यहां पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख देनी है, तो यहां पर आप एक डाल दीजिए, जो भी आपका नंबर हो प्रश्न का वह आपको यहां पर डाल देना है। और उसके बाद मान लीजिए कि जैसे देखिए, यह पहले का क वाला क्वेश्चन का आंसर था, तो यहां पर जो यह लाइन आप खींचे हैं इसके बगल में, यहां पर भी आपको पहले का क डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको पहले का क डाल देना है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को देखेगा तो तुरंत उसके समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में आपने आंसर दिया है। तो इतना काम आपको कर लेना है, और इतना करने के बाद आपको यहां पर देखिए, जब आप इसका आंसर लिखने जाएं तो यहां पर आपको हेडिंग जरूर देनी है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको हेडिंग जरूर दे देनी है, जिससे कि क्या होता है कि जब हेडिंग दिया रहता है तो एग्जामिनर तुरंत देख करके आपकी कॉपी को समझ जाता है कि आपने किस चीज के बारे में आंसर लिखा है, तो तुरंत जो है कि वह पढ़ करके आपके कॉपी को चेक कर देता और नंबर दे देता है। और दूसरा फायदा यह भी होता है कि जब आप टॉपिक दे करके लिखे रहते हैं तो कॉपी भी अच्छी लगती है देखने में और एग्जामिनर भी इससे प्रभावित हो जाता है। और तीसरा फायदा यह भी होता है कि यहां पर देखिए, कभी कभी स्टूडेंट जो है कि जल्दी आंसर लिखने के चक्कर में नंबर डालना भूल जाते हैं, तो जब आप नंबर डालना भूल जाते हैं तो यहां पर जो है कि अगर आप हेडिंग डाले रहेंगे तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि यह किस प्रश्न का उत्तर है, तो इसलिए आपको वहां पर नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए जो है कि हेडिंग आप जरूर डालिएगा, और उसके बाद इस वाली लाइन से यहां से देखिए, यहां से आपको लिखना है कि आंसर जो भी आपका रहे वह आपको यहां पर लिखना है। तो इस तरह से जो है कि आप अपनी कॉपी को बोर्ड एग्जाम में लिखिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह से कॉपी को लिखते हैं तो इतना ही गारंटी है कि अब की बार जो है कि बोर्ड एग्जाम में 90% से भी ज़्यादा ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।